नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे ब्लॉक गोसाईगंज जिला लखनऊ में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसकी कुछ झलकियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये UPS महमूदपुर के बच्चे हैं जो अपनी प्रस्तुति से सबका उन्होंने मन मोह लिया इस अवसर पर। और ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, शिक्षक संघ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं योगेंद्र जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख। और ये हमारे ब्लॉक प्रमुख जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर मंच पर शोभायमान हो रहे थे अपना उद्बोधन देते हुए। और ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं जिनकी कर्मठता की वजह से, जिनकी देख रेख में ये आयोजन किया गया। और ये DC ट्रेनिंग संतोष मिश्रा जी हैं, इनकी भी गरिमामयी उपस्थिति रही। और ये पूरा प्रांगण जहाँ पे सभी शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और हमारे अतिथिगण विराजमान थे, सभा कक्ष पूरा भरा हुआ था। और मुझे भी अपनी प्रस्तुति देने का सुअवसर मिला। उसका कुछ दृश्य आप लोगों के समक्ष, स्कूल रेडीनेस मेरा टॉपिक था, उस पर मैंने अपने विचार रखे। धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा मंच संचालन किया गया। ARP हैं हमारे ब्लॉक गोसाईगंज के, और बेहतर करेंगे, इसीलिए इस आयोजन को यहाँ पे कराया जा रहा है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में इतने पोषपूर्ण नेतृत्व तो हमें मिला है। हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है गोसाईगंज, वो निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है। तो हम इस मंच के माध्यम से अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। चलिए सबसे पहले एक बार ताली बजाते हैं, एक सामान्य ताली बजाइए, अब एक विशिष्ट ताली बजाते हैं। प्यार है आप लोग, कुछ अंतर लगा? यही तो है, प्री प्राइमरी में हमें यही तो करना है, सामान्य चीजों को बच्चों के हिसाब से विशिष्ट बनाना है। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको खेल खेल में, गतिविधियों के माध्यम से इस तरह से सिखाना है कि उनको लगे कि ये तो हम घर में ही हैं, आंगन ही तो है हमारा, हमारा बच्चा हमारा आंगन। तो ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पास कोई भी 6 साल का बच्चा आता है, क्या वो स्कूल से परिचित होता है? नहीं परिचित होता है। तो ये आयोजन ही इसलिए किया गया है कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ा जाए। कक्षा 1 का जो शिक्षक है उसको नोडल शिक्षक के रूप में अभी स्कूल रेडीनेस का प्रशिक्षण कराया गया था हर विद्यालय से, और वो नोडल शिक्षक जो हमारी आंगनबाड़ी बहने हैं उनका सहयोग करेगा, उनकी सहायता करेगा। और अगर आंगनवाड़ी आपके प्रांगण में है तो आपको प्रतिदिन कक्षा 1 के साथ इन गतिविधियों का आयोजन करना है। और अगर आपके प्रांगण में नहीं है तो भी क्या करना है, उनकी सहायता करनी है। 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 3 महीने में आप उनका सहयोग करेंगे, और जो भी गतिविधियां आप कराते हैं अपने बच्चों को उन बच्चों को भी कराएंगे। कहते हैं जहाँ चाह है वहां राह तो बनती ही जाती है। तो सबसे पहले आपको स्कूल रेडीनेस के बारे में बता देते हैं कि स्कूल रेडीनेस क्या है। जो प्रशिक्षण हमें कराया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 1 के शिक्षकों को नोडल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, और जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उनको सहयोग प्रदान करने। तो ये बहुत ही सफल आयोजन रहा। और ये हम लोग की ग्रुप फोटो,
SRG प्रीति द्विवेदी, प्रीति सिंह सॉरी, हमारा ग्रुप अनुपमा शर्मा, संतोष राय, DC ट्रेनिंग, और ये बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति सरस्वती वंदना पर, और ये हमारे अपने साथी जो मित्र भी हैं और सहयोगी भी हैं। हिमाखंड शिक्षा अधिकारी महोदय, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।